दुमका जिले के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए झारखंड सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन फिर से भक्तों की सहानुभूति जुटाने में लग गया। इस प्रयास में जिला प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक पूजा पद्धति प्रारंभ कर रही है। हालांकि इस वैकल्पिक पूजा पद्धति को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। इसके अंतर्गत बंद मंदिर के अंदर मंदिर पुजारियों द्वारा की जा रही पूजा का दर्शन समस्त भक्तों तक इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। जी मैडम, आज के बैठक में किन किन बिंदुओं को मुख्य रूप से फोकस किया गया, क्या निर्णय लिया? आज जिला प्रशासन के द्वारा बाबा बासुकीनाथ में आके बैठक किया गया। यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि और पंडा समाज के जनप्रतिनिधि के बीच में ये बैठक किया गया। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण सब जगह बढ़ रहा है और गृह मंत्रालय का आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मंदिरों को 31 जुलाई तक बंद रखा गया है। लेकिन विशेष रूप से देवघर के बाबा बैद्यनाथ और दुमका के बाबा बासुकीनाथ के हर साल श्रावणी मेला आयोजन होता था, जिसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालुगण कांवरियागण आते थे जल चढ़ाने के लिए और बाबा का दर्शन करने के लिए। इस साल कोरोना के संक्रमण के वजह से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है और इस विषय में कोर्ट में भी जो याचिका दायर किया गया था, कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है कि पब्लिक के लिए श्रावणी मेला आयोजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ने का आशंका है, लोगों को मंदिर में नहीं प्रवेश दिया जाएगा और ऑनलाइन पूजा दर्शन के लिए व्यवस्था किया जाना है जो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी मद्देनज़र हम लोग अपने पुलिस सहयोगी और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ, पंडागण के साथ बैठक किया और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस देना है कि वो लोग मंदिर पे नहीं आए जल चढ़ाने के लिए या बाबा का दर्शन करने के लिए, मंदिर बंद रखा गया है, वो लोग अपने घरों में ही बैठ करके कोरोना वायरस से दूर रह करके अपने घर के ही अंदर बाबा का दर्शन लें, बाबा का आशीर्वाद लें और जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हम लोग सभी बाबा बासुकीनाथ से प्रार्थना करें। और जो टेक्निकल, जो आईटी के माध्यम में जो कम्युनिकेशन है, उस माध्यम से लोग अपने घरों में ही बैठ करके दर्शन करें। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह जगह पे चेक पोस्ट रखा गया है ताकि उनका एंट्री हम लोग नहीं, एंट्री को हम लोग मॉनिटर करें और अगर उल्लंघन करने की प्रयास किया जाएगा तो ऐसे लोगों पर डीएम एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि दुमका जिला प्रशासन के वेब पेज के अलावा झारखंड सरकार के पेज पर यह कार्यक्रम दिखाए जाने की व्यवस्था है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली ये पूजा पद्धति इस साल से पूर्व तक चले आ रहे हैं। निर्बाध पर पूजा पद्धति का जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन बढ़िया हाँ की तर्ज पर भक्ति पूजा पद्धति से आनंद उठाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।